कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हो? आज मौसम तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बादल भी हैं, लेकिन हमने दोनों के कॉम्बिनेशन से 2000 का एक पंखा तैयार कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और आपको मैं अपने एक और व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। और हम बना रहे हैं एक पंखा जो कि हमारे पास एक पहले से पड़ा हुआ था, उसको मिलाकर और एक और न्यू लेके उसका एक मिक्सचर से एक पंखा बना रहे हैं। इसके ऊपर अभी हम कलर कर रहे हैं ताकि ये अट्रैक्टिव लगे, मतलब कि एक न्यू बन जाएगा। आज मौसम तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बादल भी हैं, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा बादल बने हुए हैं लेकिन टेम्परेचर कम नहीं हुआ अभी तक। ये इसके पंखे के कुछ पार्ट्स हैं जो हमने अलहदा किए हैं ताकि अच्छे से कलर हो सके। नीचे से एक बोरा रख दिया ताकि टेबल भी ख़राब ना हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रुक भी नहीं रहा पसीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसको अभी अंदर रख दिया है सूखने के लिए। भैया को बोलो जाओ, कहाँ जाना है? कहाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मौसम जो है काफ़ी पहले से बेहतर हो गया है, अच्छा मौसम है, बादल बने हुए हैं, हर साइड से बादल बने हुए हैं काले काले, पता नहीं बारिश होती है या नहीं, लेकिन बादल बने हुए हैं, इस साइड से ज़्यादा बादल हैं। मौसम अभी बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है और हम आए हुए थे छत के ऊपर क्योंकि हमें पंखा बनाना था खुद का, सो पंखा बना रहे थे। अभी इस पंखे को बना रहे हैं, अभी इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है ये वाला, ये उसको ऊपर नीचे करने में। ये हमारे पास एक पुराना पंखा पड़ा था, ये उसकी फ्रेम है, क्योंकि मार्केट से तकरीबन 12,000 का पंखा मिल रहा था और अगर सोलर वाला लें तो तकरीबन 5 से 6,000 का था, सो हमने सोचा कि खुद ही बना लेते हैं। इसको भी कल लेके आए थे, हम सोच रहे थे कि ये इसका जो मोटर वगैरह ये सब सेपरेट लें, लेकिन ये नहीं मिल रहा था तो ये पूरा एक कंप्लीट लेना पड़ गया। सो इसको अब उस पर फिट कर देंगे, मतलब कि दो अलग पंखों के कम्बिनेशन से एक पंखा बन जाएगा। और ये कुछ खजूर आई हुई थी जज्जे से फ्रेश फ्रेश। फाइनली पंखा जो है हमने तैयार कर लिया है, नीचे इसके हमने एसी वाली फ्रेम लगाई है और ऊपर जो मोटर है ये है डीसी की। वैसे अगर डीसी जो है अगर इसको बाय करें तो तकरीबन 5,000 में पड़ता है, अगर एसी को बाय करें तो वो 12,000 का पड़ता है, लेकिन हमने दोनों के कॉम्बिनेशन से 2,000 का एक पंखा तैयार कर लिया है।